तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी एक न्यूज़ ने देखा, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जैद प्रभजोत भाई जो कि मेरा फेवरेट मोटो ब्लॉगर, जो जिसके जिसके वीडियो में मैं देख के मैं अपना करियर शुरू किया कि मोटो ब्लॉगिंग में स्टार्ट किया, तो उनका आज एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बहुत मतलब शॉकिंग हूँ कि ये कैसा हुआ। तो उनका वीडियो में जब भी कंटिन्यू हमेशा वीडियो देख रहा था, तो अभी वीडियो नहीं आया, तो मैं एक शॉर्ट्स में देखा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट कैसा हुआ, क्या हुआ, मैं आप पूरा जांच किया है यूट्यूब में जाके। तो बहुत सारे चुतिया लोग हैं कि उनको गाली बक रहे हैं वीडियो में, उनको रोस्ट कर रहे हैं। किसी बंदे का अगर ऐसे सिचुएशन है, वो एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है, तो उनको गाली नहीं बक सकते हैं। तो ऐसे साला चुतिया एक मास्क पहन के, ये साइड में आप देख रहे होंगे, तो वो साला गाली बक रहा है, तो उसको जाके रिपोर्ट मारिए। तो जयेश पाजी भी भाई इस चुतिया को बहुत गाली दिए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा क्या कैसा हुआ जयेश प्रभजोत भाई के, मतलब वो अपना अभी कुछ दिन हुआ था H2 लेने में, तो उसमें उनसे बहुत बड़ा राइड करने का मतलब क्या उनका दिमाग। गाड़ी तो बहुत खरीद सकते हैं, लेकिन जान बहुत सभी को प्यारी है, जान ही एक है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि तो जयेद प्रभजोत भाई को मतलब वो गाड़ी H2 लेके नहीं जाना था। तो अभी आपका हैंडसेट नहीं हुआ है, मैं माना हूँ कि आप बहुत बड़ा मोटो ब्लॉगर हैं, जो कि आपके सभी बाइक में नॉलेज है कैसे हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन से आपके साथ मतलब हैंडसेट होना चाहिए वो बाइक में। तो वो नहीं हुआ था, इसीलिए शायद वो एक्सीडेंट हुआ। कि एक्सीडेंट में और क्या हुआ, तो मैं वो वीडियो देख रहा था, वीडियो में रिएक्शन के चक्कर में, लोगों के चक्कर में वो गाड़ी को बहुत ज़ोर से भगाते थे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। मतलब आप जब भी बाइक खरीद रहे हो, उसको एक महीना दो महीना अपना हैंडसेट हिसाब से चलाइए, उसके बाद आप लॉन्ग राइड में लेके जाइए उस बाइक को। तो ये हुआ कि ये पॉइंट था जो कि प्रभजोत भाई को नहीं करना चाहिए था। तो लास्ट में यही दुआ करना चाहूँगा कि भगवान उनको मतलब जल्दी से ठीक कर दीजिए, और वो जो केस है पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद प्रभजोत भाई आप ऐसे ही वीडियो डालते रहिए, हमारे साथ मिलते रहिए। तो गाइस मेरा तो वो फेवरेट मोटो ब्लॉगर था, उनका कुछ मेरा हार्ट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं अपना वीडियो में पहले बोलता था कुछ दिन पहले, तो मैं आपको वो सुना देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, बड़ों को प्यारेपन और छोटों को हेलो। तो ये था उनका डायलॉग जो कि बहुत दिल को लगता था यार। तो जल्दी से आप ठीक हो जाइए। तो गाइस आज का वीडियो को ही एंड करता हूँ। तो अभी तो मैं मोटो ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है, जब से मतलब पाजी का ये न्यूज़ मेरे सामने आया। ठीक है, देखते हैं क्या क्या अपडेट आता है। बाय बाय।